हमारे पूरे धौलपुर क्षेत्र में हाड़ वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं, और इनका नाम ये पूरा देखो ये लिखा है, जूम करके बताता हूँ। ये देखो हजरत सरफ अब्दाल सहार रहमतुल्लाह अलैह, और ये अब्दाल है जो इनको उपाधि दे रखी है। एक तरह से पोस्ट होती है, उर्दू में तहर्रुक बोलते हैं और हिंदी में प्रसाद। चलो लो, और ये भाई सपोर्ट करा रहे हैं, इन्होंने ही बताया प्रसाद का नाम क्या होता है, तवर्रुक। हमारे फाड़ वाले बाबा की दरगाह, ये देखिए यहाँ पे चादर और फूल चढ़ाए जाते हैं। तो सारे भाई रिस्क लेके उतर रहे हैं, इस चीज को कभी बताना भाई प्रमोट नहीं करूंगा मैं, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। ये देखिए पलटन एक एक से उतर रही है। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। गाइस ये देखो सूरज भी उगने लगा है। गाइस जैसा कि मैंने मचकुंड वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि हमारी टेरिस से जो फाड़ वाले बाबा की दरगाह है हमारे ज़िले की धौलपुर की, वो उसका व्यू बहुत अच्छा आता है। तो ये देखो ये हमारी टेरिस, और ये देखिए फाड़ वाले बाबा की दरगाह, हमारी टेरिस है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक फाड़ वाले बाबा की दरगाह। अभी जूम करके दिखता हूँ, ये जो फाड़ दिख रहा है ना, इसी पे ऊपर है फाड़ वाले बाबा की दरगाह। तो गाइस बहुत दिन आ गया है, आज चलते हैं, रेडी होते हैं जल्दी से, और आज इसको आपको अच्छे से दिखाते हैं, एक्सप्लोर अच्छे से करेंगे। ठीक है, रेडी होके सीधा मिलते हैं आपको, और साथ में कौन चलेगा वो भी दिखाएंगे, और नीचे चलते हैं और रेडी होके आपको दिखाएंगे। ठीक है, मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों फाइनली फाड़ वाले बाबा की लोकेशन पर हम पहुंच चुके हैं। ये देखो ये पूरा फाड़ वाले लगभग यहाँ नीचे से 300 फुट ऊंचाई पे फाड़ वाले बाबा की दरगाह, काफ़ी जंगल। आज का मौसम फालतू हो गया, आंधी स्टार्ट हो गई है, देखो चारों तरफ आंधी चल रही है। दरगाह पहुंच के आपको मिलते हैं, अब सीधा चलते हैं फाड़ पे, लगभग 300 फुट की ऊँचाई पर जाना है हमें। ये दो रास्ते हैं देखो, एक पैदल जाने का और एक ये बड़ी सड़क है, काफ़ी बड़ी गाड़ी भी जा सकती है, अच्छा रास्ता है। देखो काफ़ी मौसम आंधी तूफान का हो गया है आज, पर कोई दिक्कत नहीं, चलो लोकेशन पहुंच के एक्सप्लोर करते हैं और आपको फाड़ वाले बाबा की दरगाह दिखाते हैं। ठीक है, चलो You fill my soul with light the day we met I don't wanna leave your side Have me by your side when the sun sets Let's leave for an eternity We'll sail across the lights beyond the sky I'll be with you eternally So guys, welcome back again। हम फाड़ वाले दरगाह की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। ये दरगाह का मेन गेट है, अभी व्यू दिखाते हैं आपको अपनी दरगाह का। ये देखो काफ़ी भीड़ है, एक्चुअली कल ईद का त्यौहार था ना, तो आज देखो मंडे है, आज भी काफ़ी भीड़ है। ये देखो पूरा लुक, ये देखो गाइस काफ़ी बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और दरगाह जाने से पहले यहाँ पे हाथ मुँह साफ किए जाते हैं, यहाँ काफ़ी नल है। ये देखो काफ़ी क्राउड है आज, दरगाह के अंदर चल के आपको बता दें पूरे यहाँ पे हाथ मुँह साफ किए जाते हैं। हमारे पूरे धौलपुर क्षेत्र में फाड़ वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं, और इनका नाम ये पूरा देखो ये लिखा है, जूम करके बताता हूँ। ये देखो हजरत सरफ अब्दाल सहार रहमतुल्लाह अलैह, और ये अब्दाल है जो इनको उपाधि दे रखी है, एक तरह से पोस्ट होती है। ये मेन गेट है दरगाह के अंदर जाने का। ये देखो अभी प्रसाद लेते हैं और अंदर चलते हैं दोनों भाई। ये मेन गेट है देखो, ये पीछे जी प्रसाद ले रहे हैं, हिंदी में उर्दू में तवर्रुक बोलते हैं और हिंदी में प्रसाद। चलो लो, और ये भाई सपोर्ट करा रहे हैं, इन्होंने ही बताया प्रसाद का नाम क्या होता है, तवर्रुक। मेन गेट ये एंट्रेंस का, तो अंदर घर चलते हैं, ये भाई सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल के ही है, चलो आजा। काफी क्राउड है आज, देखो
दरगाह जाने के लिए मेन गेट। ये देखो काफी क्राउड है, जो मेन दरगाह है थोड़ी दूरी पे है। ये देखो देखो ये सीढ़ियों का रास्ता है। ये देखो पहाड़ वाले बाग की दरगाह। ये मस्जिद है, काफी सुकून है। जय पहाड़ वाले बाबा की। पकड़ना उधर देख, ये पहाड़ वाले बाग की दरगाह है। काफी क्राउड है आज हमारे फाड़ वाले बाबा की दरगाह। ये देखिए यहाँ पे चादर और फूल चढ़ाए जाते हैं। यह फाड़ वाले बाबा, ये देखो काफी सुंदर झूमर है, काफी अच्छा क्राउड है। दरगाह से निकलते ही देखो ये जो बैठक है काफी अच्छी है। यहाँ से पूरे धौलपुर का लोग कितना अच्छा आता है, काफी लोग देखो सेल्फी वगैरह लेते हैं और फोटो वगैरह खिंचाते हैं अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं, कोई घूमने आता है। तो फाड़ वाले बाबा की मान्यता ये है, देखो जो भी फरियादी सच्चे मन से आता है ना, अपने मन में जो भी विश लेके आता है ना, वो पूरी होती है। हमारे जो धौलपुर क्षेत्र में ना फाड़ वाले बाबा के नाम से मशहूर है। ये देखो काफी दरगाह है, और जो मचकुंड का मेला लगता है ना, मचकुंड का मेला शाम तक होता है और शाम के बाद लेट नाइट तक फाड़ वाले बाबा का मेला स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे मशहूर कब्बाल, विश्व विख्यात कब्बाल भी आते हैं। ब्यूटीफुल ये हमारा धौलपुर, देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, मौसम भी काफी सुहाना हो गया है। और ये सारे भाई सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारी दरगाह फाड़ वाले बाबा। और यहाँ से भी ये पूरा जितना देख रहे हो ना, ये हमारा धौलपुर जिला। और ये देखो काफी क्राउड है आज, क्योंकि कल ईद है ना, आज त्यौहार है, काफ़ी लोग बाहर से आए हैं। ये मान्यता है कि धौलपुर के तो लोग मानते हैं, यहाँ पे सभी धर्म को मानने वाले हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सारे आते हैं। और जो भी मन में फरियाद होती है वो सच्चे मन से लेके जाते हैं। और ये मान्यता है दरगाह की, जो भी फरियादी सच्चे मन से आता है वो फाड़ वाले बाबा पूरी करते हैं। ये देखो जो भी फरियादी बाहर से आते हैं ना, उनके लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है आराम करने के लिए। देखो पंखे लगा रखे हैं, काफ़ी बड़ा हॉल है। ये देखो जो भी फरियादी बाहर से आते हैं फाड़ वाले बाबा दर्शन करने, तो उनको देखो आश्रम कर विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए देखो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी बड़ा हॉल है। यहाँ पे पंखे के साथ वाटर कूलर वगैरह और सबकी व्यवस्था है, काफी सफाई है, काफी सुंदर भी बना रखा है। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। ये देखो काफी सुंदर कर रखा है। A few moments later. Guys, कितना क्राउड है आज। और ये देखो यहाँ पे अगरबत्तियां लगाई जाती हैं। जो भी मन से सच्चे मन से फरियादी आते हैं ना, वो अपने मन में जो फरियाद होती है सच्चे मन से लगाते हैं। और ये आप एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो ना, ये पॉलीथीन बांधते हैं। ये जितने भी फरियादी आते हैं ना, वो अपने मन में जो उनकी इच्छाएं होती है ना, वो फाड़ वाले बाबा के प्रति बांध के जाते हैं कि हमारी जो फरियाद है वो पूरी हो जाए। ये देखो यहाँ पे अगरबत्ती का स्टैंड है, ये देखो, और ये राघविंद्र भाई लगा रहे हैं अगरबत्ती। चलो इधर लगाओ, काफी सुंदर है यार।
ये देखो मौसम भी अच्छा हो गया। अब मेरी बारी, देखो मैं भी लगाता हूँ। अभी नहीं हुआ यार। ओए होए, हो गया। जय फाड़ वाले बाबा कृपा। ये देखो मैंने भी लगा दिया, अभी निकलते हैं बाहर की तरफ। और ये भाई काफी सपोर्ट कर रहे हैं। चलो सारे भाई दरगाह से बाहर आ गए हैं, मेन गेट है ना। अब देखो काफी अच्छा लगा, सुकून फील हुआ। जो भी मन में फरियाद थी बाबा को बोल दिए, कंप्लीट कर देंगे वो। नोकल का हूँ मैं, ये भाई मैं तो समझ रहा था नोकल के, ये तो आगरा से आए हैं और काफ़ी साथ दे रहे हैं। उर्दू के जो वर्ड नहीं आते थे भाई सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, चलो अब चलते हैं। किस साइड में चलना है? सो गाइस, आप ये दुकान टाइप देख रहे हो ना, जो भी फरियादी यहाँ रात को रुकते हैं ना, उनको खाना बनाने की ये व्यवस्था है। ये देखो, बट आज को ने क्या हाल कर रखा है, देखो एक बार नज़र रखो यहाँ पे। ये फुकरे आशिक उन्होंने क्या रखा रखा है, ये देख रहे हो। नंबर जैद नाम अविनाश। अब देखो एक फेमस जगह ले जा रहे हैं, यहाँ पे कब्बाली मुकाबला होता था। सारे भाई जा रहे हैं वहाँ, आपको मिलते हैं। A few moments later. आपको ऐसी जगह ले जा रहे हैं फेमस, यहाँ पे महा मुकाबला कब्बालियों का होता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। ये चारों तरफ आप फाड़ देख रहे हो ना, ये जब पाड़वाले बाबा का मेला भरता है ना, तो लगभग ये पूरा पहाड़ी कवर हो जाता है लोगों से। लगभग 30,000 से 35,000 लोग आते हैं रात को कब्बाली देखने, और पूरा मेला भव्य एकदम, चारों तरफ लाइटिंग होती है और पूरा पहाड़ एकदम जन्नत की तरह दिखता है। और जहाँ पे महामुकाबला होता है कब्बाली का, अभी वहाँ सारे भाई जा रहे हैं, वहाँ स्टेज का पूरा लुक बताएंगे और धौलपुर का व्यू। अरे भाई, जो कब्बाली का महामुकाबला होता था वहाँ उसकी स्टेज पर पहुँचने वाले हैं। और ये देखो, जहाँ कब्बाली का मुकाबला होता है, विश्व विख्यात कब्बाल आते हैं, और ये वही स्टेज है। यहाँ पे बहुत फेमस कब्बाल आते हैं, और हमारे दिल के, हमारे धौलपुर ज़िले के लोगों का तो दिल जीते हैं, और बाहर से जो आते हैं ना फरियादी, उनका भी दिल जीते हैं। ये फेमस स्टेज यहाँ पे विश्व विख्यात, भारत विख्यात नहीं, विश्व विख्यात कब्बाल आते हैं और रात में समा मानते हैं। ये पूरे चारों तरफ आप पहाड़ देख रहे हो ना, यहाँ पे इतना क्राउड होता है कि ये समझ लो पैर रखने की भी जगह नहीं होती है बैठने की, इतना क्राउड। लगभग 30,000 से 35,000 लोग आते हैं। ये देखो गाइस, कहाँ गए हम रिस्क लेके, सारे भाई एक एक से आ रहे हैं। रिस्क लेना फितरत में हमारी, हम धौलपुर के पास ही। ये देखो धौलपुर का व्यू, वाह। और ये वही फेमस स्टेज है यहाँ पे कब्बाली का महा मुकाबला होता है। चारों तरफ फरियादी आते हैं फाड़ वाले बाबा के, और यहाँ पे हम उसकी टेरिस पे आ गए हैं, स्टेज की टेरिस। ये देखो सारे भाई आ गए, और ये वाओ व्यू देखो। आपने व्यू का तो लुक उठाया होगा शूटिंग वाले ब्लॉग में, पर आज के ब्लॉग में भी लुक उठाओ। ये फाड़ वाले बाबा का जो ब्लॉग है, इसमें भी अपने धौलपुर का व्यू देखो। वाओ, ये पूरा अपना धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये पीछे फाड़वाले बाबा की दरगाह, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, जहाँ पे सभी धर्म को मानने वाले अपनी फरियाद लेके आते हैं सच्चे मन से। एकता का प्रतीक है अंतर्राष्ट्रीय महाकब्बाली का स्टेज के टेरिस पे हम सारे भाई, और हमारे साथ। ये देखो रिस्क लेके टेरिस पे तो आ गए हैं, जो कब्बाली का महामुकाबला होता है ना उसकी स्टेज पे हैं हम ऊपर टेरिस पे। अब देखो पहले व्यूज देखो, एक और बात एंजॉय करो इस व्यू को, हमारे धौलपुर का लुक। वाओ, ये हमारे धौलपुर सिटी। अब देखो ये सारे भाई कैसे उतरेंगे, किस तरह से रिस्क लेके आए हैं। देखो तुम, मैं इस चीज़ को हम प्रमोट नहीं करेंगे भाई, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, डेंजर मामला है, पर अपन तो आ गए हैं। और सारे भाई एक एक से उतरेंगे, चलो स्टार्ट करो, एक एक से उतरो। तो सारे भाई रिस्क लेके उतर रहे हैं, इस चीज को कभी बताना भाई, प्रमोट नहीं करूंगा मैं, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। ये देखिए पलटन एक एक से उतर रही है, ये हमारा धौलपुर शहर। ऐसा लगता है यार इसको छोड़ के ही नहीं जाए,
अल्टीमेट व्यू। दिवाली के दिन तो अलग ही दिखता होगा व्यू यार, क्योंकि लाइटिंग हो जाती ना पूरा शहर में, मजा आता होगा। वाओ, चलिए उतरे भाई, ये देखो पूरा। और ये भाई आगरा से है ना, ये हम मचकुंड जाने वाले हैं, मचकुंड के व्यू का लुत्फ उठाएंगे। वाले बाबा के दर्शन हो गए हैं, माथा टेक लिया है और जो फरियाद थी वो बोल दिया बाबा को, और अब निकलते हैं। काफ़ी धूप हो गया, देखो सूरज कितना ऊपर है, काफ़ी क्राउड है आज, पर मज़ा तो आया, सुकून फील हुआ। और लगभग नीचे रोड से 300 फुट की ऊंचाई ऊपर है यहाँ पे दरगाह ये पूरा, ये देखो। और पहाड़ वाले बाबा का पूरा नाम हजरत सरफ अब्दाल सहार अहमतुल्लाह अले है, और ये अब्दाल इनको उपाधि दी गई है एक तरह से। ये देखो पूरे धौलपुर क्षेत्र में पहाड़ वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं, और इनका पूरा नाम ये है। ये देखो सारी कौमों के भाईचारे की निशानी, एकता की निशानी। यहाँ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम भाई आते हैं, यहाँ पे सभी धर्मों को मानने वाले आते हैं। A few moments later. Finally, दरगाह से नीचे आ गए हैं। ये देखो ये सेकंड रास्ता नीचे जाने का। अगर पहाड़ वाले बाबा की दरगाह का जो ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना और प्यार देना, ठीक है। अब ये देखो नीचे वाला रास्ता पूरा जंगल है, काफ़ी अच्छा है नीचे जाने का रास्ता। ये देखो इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। अगर पहाड़ वाले बाबा का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। अब दोनों भाई नीचे जाते हैं और सीधा घर जाते हैं और ब्लॉग को यहाँ ही एंड करते हैं। तो प्लीज़ प्यार देना ब्लॉग को, लव यू सभी को। सो दोस्तों फाइनली ब्लॉग को यहाँ ही एंड करते हैं। ऑल राइट, जय हिंद, जय राजस्थान।